नमस्कार, मैं रचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। इस देश में सब बदला है। देश आज विश्व गुरु बनने की कगार पर है। आज भारत के बढ़ते कदमों की मिसाल दी जाती है, मगर अफसोस कि आज भी यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिलाएं ही क्या, यहाँ तो अब ना 2 महीने की बच्ची सुरक्षित है और ना 70 साल की कोई बुजुर्ग महिला। कब किसे कहाँ कोई हैवानियत का शिकार बना ले, कब किसे कहाँ कोई मौत के घाट उतार दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ होने वाले अपराध छिपे नहीं है, जबकि वहां खुद एक महिला सीएम है। एक बार फिर कोलकाता से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई, जहां एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ ही हैवानियत की हदें पार कर दी गई। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में शुक्रवार सुबह आरजी कर मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी इमारत की 4th मंजिल पर रहस्यमय परिस्थितियों में एक महिला डॉक्टर का अर्धनग्न शव मिला। इसके बाद आज देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। वहीं इस मामले पर राजनीति भी हो रही है। मामला क्या है, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान होते हैं, लेकिन सोचिए कोई उसी भगवान के साथ कुकर्म करे तो। जी हाँ, माना कि कलयुग है, मगर इतना पाप कैसे कोई कर सकता है, ये हैरानी की बात है। दरअसल एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हुई है और एक बार फिर किसी बेटी की इज्जत तार तार हुई है, यहाँ तक कि उसकी जान तक ले ली गई। कोलकाता शहर में 8 अगस्त की रात 2 बजे का वक्त था और सन्नाटे से भरा कोलकाता का आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इसी हॉस्पिटल में गुरुवार को एक जूनियर लेडी डॉक्टर की नाइट ड्यूटी थी। रात को 2 बजे उसकी शिफ्ट खत्म होती है और वो सोने के लिए चली जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टरों के सोने के लिए अलग से कोई रूम नहीं था, इसलिए वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट की 3री मंजिल पर बने सेमिनार हॉल में जाकर सो जाती है। उसी रात इंसान की शक्ल में एक भेड़िया हॉस्पिटल में दाखिल होता है और सोती हुई उस लेडी डॉक्टर पर टूट पड़ता है। वो लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार करता है और बेरहमी से उसका कत्ल करने के बाद हॉस्पिटल से निकल जाता है। जी हाँ, कोलकाता के सरकारी अस्पताल में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस में गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय ने खुद ये चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस ने अब जो जानकारी दी है उससे तो यही लगता है कि ये बिल्कुल हैवान ही था। उन्होंने बताया कि महिला डॉक्टर को हवस का शिकार बनाने और उसकी जान लेने के बाद रॉय घर गया और वो चैन से सो गया। फिर अगली सुबह उसकी नींद खुली तो सबसे पहले उसने सबूत मिटाने के लिए अपने कपड़े धो लिए। हालांकि कहते हैं कि मुजरिम की एक गलती उस पर भारी पड़ जाती है और संजय रॉय के मामले में भी ये बात सच साबित हुई। उसने खून के सारे निशान तो मिटा दिए, लेकिन एक जगह उससे छूट गई और वही उसका काल बन गई। पुलिस को उसके जूते पर खून के निशान मिले जिसे उसने सबूत के तौर पर सहेज कर रख लिया है। संजय एक सिविल वॉलंटियर है जिसे स्थानीय बोली में लोग सिविल पुलिस भी कहते हैं। पुलिस ने शनिवार शाम उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके गिरफ्तारी में एक ब्लूटूथ ईयरफोन भी बड़ा सबूत बना जो उसके फोन से तुरंत ही कनेक्ट हो गया था। पुलिस के मुताबिक उसके फोन से कई अश्लील वीडियो भी मिले। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि रेप करने से पहले वो रेड लाइट एरिया में भी होकर आया था। फिलहाल अभी जल्द ही कुछ और नए खुलासे होंगे। वहीं रेजिडेंट डॉक्टर्स भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं, लेकिन इस मामले में अब राजनीति मोड़ भी सामने आ रहा है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने इस मामले में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार को घेरा और राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल किए। भाजपा नेता ने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल में माँ माटी और मानुष सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि इस मामले में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका चतुर्वेदी अभी तक चुप क्यों हैं? भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने भी इस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरा। उन्होंने कहा कि ममता जी, बंगाल में आपके शासन में क्या हो रहा है? एक महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म क्रूरता की हद पार हो गई और क्या वहां निष्पक्ष जांच होगी? देखा जाए तो एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हुई है, खासकर उस प्रदेश में ऐसा होना जहां एक मुखिया खुद एक महिला है, वहां और भी ज्यादा हैरानी होती है। वही सवाल उठता है कि सरकारें अपने देश के डॉक्टरों को कैसे सुरक्षा मुहैया कराती हैं।
दिन रात ड्यूटी करने वाले डॉक्टर के कमरे में कोई भी हैवान पहुंच जाएगा, ये तो सवाल तो खड़े होंगे ही। ऐसी वारदात के बाद आखिर कैसे कोई माता पिता अपनी डॉक्टर बेटी को अकेले ऐसे छोड़ पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि सरकारें इस बात का ध्यान दें कि राजनीति को छोड़कर कैसे महिलाओं को सुरक्षित रखा जाए और कैसे ऐसे हैवानों को सजा दी जाए, ताकि कोई अगला इस बारे में सोच भी ना पाए। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।